हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइव्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। लेट्स डिस्कस दिस केस कॉल्ड मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट्स अ लैंडमार्क केस ऑन सेक्शन 10 एंड सेक्शन 30 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 10 इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक्यूज्ड को पकड़ा गया था एंड इन पुलिस कस्टडी दे मेड सम कन्फेशन। अब चूंकि उन्होंने पुलिस के सामने बोला था तो यहाँ पे ये कहा गया कि फाइंड टेकिंग दैट एग्जांपल ऑफ मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर कि एक बार वो अरेस्ट हो गए द कॉन्स्पिरेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट दैट दोज अरेस्टेड पर्सन उनकी कॉन्स्पिरेसी से लिंक स्नैप हो गया है तो इसलिए अब वो जो कहेंगे इट कैनॉट बी रेलिवेंट अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर्स अंडर सेक्शन 10। और दूसरा बात सेक्शन 30 पे आया क्योंकि जो एक्यूज थे वो को कॉन्स्पिरेटर थे तो सेक्शन 30 कहता है कि इनके कन्फेशन कैन बी रेलिवेंट अगेंस्ट अदर कॉन्स्पिरेटर्स ऑल्सो। तो बट यहाँ पे बात यह है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो कोर्ट ने कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का एग्जाम रेफरेंस लेकर कहा कि ऐसे सेक्शन 30 वाले में द कोर्ट नीड नॉट मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग शुड नॉट बी सेक्शन 30 में जो कन्फेशन हुआ है। रादर द कोर्ट शुड फॉर्म इट्स ओपिनियन ऑन अदर फैक्टर्स अदर सर्कमस्टांसेस जो भी उसको एविडेंसेस मिले हैं और बाद में फॉर अश्योरेंस फॉर कंक्लूजन ऑफ गिल्ट वो सेक्शन 30 का एग्जाम्पल वो लेगा। और यहाँ पर कोर्ट कहता है कि वॉट एवर यहाँ पे द प्रोसिक्यूशन हैड प्रूव इट्स केस फ्रॉम अदर एविडेंसेज और बाद में सेक्शन 30 को कंक्लूजन में लिया गया। इट्स नॉट कि सेक्शन 30 पे पूरा प्रिमाइज किया गया। तो ये दोनों एविडेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरा एक कन्फेशन के लिए कन्फेशन कब यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर कन्फेशन रिट्रैक्ट हो गया था 2 साल बाद। तो कोर्ट ने ये पाया और यहाँ पर ये ध्यान रखने आप ये समझ सकते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है उसको भी एविडेंस देने के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इज दोज मैजिस्ट्रेट आल्सो। तो उनको कोर्ट ने बुलाया और इन द कोर्ट फाइंड कि सेक्शन 164 के प्रोसीजर्स माने मतलब अपनाए गए थे। द कोर्ट रिफर्स टू दिस केस कॉल्ड शंकरैया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और कोर्ट ये कहता है कि ट्विन ट्वेस्ट होते हैं कन्फेशन के एडमिसिबिलिटी के लिए। पहला कि वो वॉलंट्री हो, नहीं तो फिर वो सेक्शन 24 में बार्ड हो जाएगा। और दूसरा कि ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी हो जो कि बाकी एविडेंसेस से गैदर करते हैं। कोर्ट फाउंड की दोनों बातें हैं सही हैं तो उनके कन्फेशन वर एक्शनेबल। बाकी कुछ बातें और यहाँ पे डिस्कस हुई थी और ये बात प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जनरली अगर आप कुछ विटनेसेस को नहीं एग्जामिन करते हो तो इट कैन लीड टू एडवर्स इन्फेरेंस अगेंस्ट यू बट नॉट ऑलवेज। अगर आपको जरूरी नहीं है सारे विटनेस को एग्जामिन करना बट जो भी आपके मटेरियल केस को एस्टैब्लिश करने में आए आपको उनको एग्जामिन करना चाहिए नहीं तो एडवर्स इन्फ्लुएंस आपके अगेंस्ट लग सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये कंटेंट हुई थी कि उनका स्टेटमेंट जो है 2 दिन बाद लिया गया था ये सब चीज़ें जबकि द कोर्ट सेड कि डिले ठीक है हम डिले पे क्वेश्चन मार्क लगता है बट अगर डिले को जस्टिफाई कर दिया गया जैसे यहाँ पर 2 दिन पहले अगर कोई बहुत बड़ी बड़ा हादसा हुआ तो ऑब्वियसली उसको हॉस्पिटल ले जाना और उसको ह्यूमैनिटेरियन नीड्स कम फर्स्ट तो इसलिए द डिले वाज एक्सप्लेन। और तीसरी बात ये हुई थी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कंटेंशन लिया गया था कि इसलिए बॉम्ब उन लोग रखे थे। द कोर्ट सेड कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओनली स्टार्ट्स व्हेन देयर इज अ रीजनेबल फियर जबकि यहाँ पर इन एंटिसिपेशन के ऐसे दंगे हो सकते हैं तो आप इतना रख रहे हैं तो दिस डजंट कम अंडर प्राइवेट डिफेंस। तो दोस्तों आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय।